मीडिया के जरिए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। पूरे देश को ही उन्होंने जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है T20 वर्ल्ड कप विजेता बनने पर। तो एक तरफ पूरे भारत में जश्न का आलम है, सड़कों पर भारतीय क्रिकेट फैंस हैं जो जश्न मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं इस जीत पर। देखिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं टीम इंडिया के फैंस भारतीय। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए टीम इंडिया को इस जीत की बधाई दी है। और बहुत ही रोमांचक रही आज की जीत, बहुत रोमांचक आज का मुकाबला, जहां साउथ अफ्रीका ने भी बराबरी का टक्कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका को जीत नहीं मिल पाई क्योंकि टीम इंडिया ने उनसे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी हैदर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, चोकर कहा जाता है साउथ अफ्रीका को, हालांकि फाइनल में पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंचा और आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला, दबाव में उनके प्लेयर्स कभी भी नहीं आए, कहीं भी नहीं आए, और उस अच्छे मैच को हमने जीता है। देखिए मेनका, जब दो टीमों के बीच मैच होता है तो एक टीम मैच जीतती है और दूसरी टीम हारती है, लेकिन अफ्रीका जिस तरह से आज मैच हारी है तो वो इस तरह से नहीं हारी है जिस तरह उनको चौकर कहा जाता है। अफ्रीका मैच में पूरी तरह से लड़ी है, कई बार मैच अफ्रीका की तरफ गया है, और उस वक्त क्योंकि भारतीय की गेंदबाजों की ज़्यादा बेहतरी रही या भारतीयों का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा, इसलिए भारत ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि अफ्रीका का प्रदर्शन कहीं पर भी कम था। अफ्रीका गेंदबाजों ने, हैदर रचना इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे सहयोगी रचना उपाध्याय, रुख कर लेते हैं दिल्ली का। रचना, आप भी पूरे मैच का लुत्फ आपने भी उठाया और वहां पर क्रिकेट फैंस ने भी, दिखाए किस तरह का जश्न वहां पर है और क्या कह रहे हैं प्रशंसक। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और ये संदेश, वीडियो संदेश जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीम इंडिया को बधाई दी, भारतवासियों को बधाई दी है, भारतवासियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह संदेश दिया गया है, विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है और इस तरह से पूरे भारत वासियों को हार्दिक बधाई दी है टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में जीत को लेकर। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश दिया है। और इधर पूरे भारत में जश्न की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतवासियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर यह संदेश दिया गया, विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन, जय हिंद। तो ये संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर देशवासियों को बधाई दी है।
तो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने जीत हासिल की और इस तरह से टी20 वर्ल्ड कप 2024 पर कब्जा जमाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीयों को बधाई दी है। टी20 विश्व कप अपने नाम करने के लिए टीम इंडिया को बधाई दी। साथ ही लिखा है उन्होंने, हमारे राष्ट्र को गौरवशाली पल दिया है टीम इंडिया ने। हैदर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, आज के मैच की जितनी बात की जाए उतनी बात कम है। शुरू में अगर मैच की शुरुआत की बात की जाए तो हमारे 2 विकेट बहुत जल्दी चले गए थे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं टीम इंडिया प्रेशर में तो नहीं आ गई। उस वक्त राहुल द्रविड़ आते हैं और फिर विराट कोहली से बात करते हैं और शायद एक संदेश होता है कि दबाव में आने की जरूरत नहीं है, विकेट खोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा संभल कर खेलिए, हम 170 पार कर जाएं तब भी वो हम मैच बचा लेंगे। शायद यही बात कही होगी उन्होंने, जिसके बाद विराट कोहली ने भी बहुत टिक कर खेला। जी बिल्कुल मेनका, क्योंकि हम जब आज सुबह भी हम लाइव कर रहे थे उस वक्त भी हमने ये वाली बात कही थी कि अगर इस पिच पे भारत 170 प्लस कर जाता है, 180 तक पहुंच जाता है तो वो विनिंग स्कोर होगा भारत के लिए। और वही चीज़ मुझे लगता है कि उस वक्त राहुल द्रविड़ ने भी विराट कोहली से कहा होगा कि जब शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिर गए तो उन्होंने उनसे यही कहा होगा कि आप अभी क्रीज पर टिकिए, 10-12 ओवर तक स्कोर को आगे लेके जाइए ताकि फिर हम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकें जो आराम से डिफेंड किया जा सके। आपने एक खास चीज़ देखी होगी कि भारत के 2 विकेट जरूर गिर गए थे, लेकिन जब अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच साझेदारी चल रही थी उस वक्त भले ही हमें दूर से देखने में ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ रन नहीं बना रहे, लेकिन तब भी भारत का रन रेट 7 से नीचे नहीं आया था, जिसका भारत को फायदा हुआ। और जब बाद में तेजी से रन बनाने की शुरुआत हुई तो भारत ने उस रन रेट को 9 तक पहुंचा दिया, 8.5-9 तक पहुंचा दिया। और बहुत बहुत मायने रखता है टी20 वर्ल्ड कप में आपके एक एक ओवर में आपका रन रेट क्या है, ये बहुत मायने रखता है। इस वक्त रचना हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रचना, आपका रुख करती हूँ, बताइए वहां क्या चल रहा है, वहां किस तरह से जश्न मना रहे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस, और आपने भी पूरे मैच का आनंद उठाया है हमने देखा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिया मैच जीत गया है और जो टी20 का वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीत गई है। एक पल को लगा था कि मैच जो है वो हाथ से चला गया, थोड़ी सी डिसअपॉइंट यहाँ के जो फैंस हैं उनको ज़रूर हुई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे जिस तरीके से इंडिया ने ये मैच जीता है, 2007 की जो विक्ट्री थी उसको एक बार 2024 में फिर से क्रिएट कर दिया है। और मैं यहाँ का माहौल आपको दिखाना चाहूँगी कि हर चेहरे पर खुशी है, हर चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट है इंडिया के जीतने का, क्योंकि लोग चाहते थे कि इंडिया जीते। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, सर एक बार को तो लग रहा था कि मैच चला गया, लग गया था कि हाथ से निकल गया है मैच, क्योंकि वो 24 रन जो दिए एक ओवर में उसकी वजह से चेंज हो गया था, बट कर दिया सबने काम, एक्सीलेंट। तो मैच निकल गया और लोग भी खुश हैं, और जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की, कोई हाथ में झंडा लेके फहरा रहा है तो कोई डांस करके अपनी खुशी मनाने का एक अलग अलग उनका तरीका है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको वैसे ही चेहरे दिखाई दे रहे होंगे जो एक जीत के बाद यानी कि विक्ट्री के साइन वाले जीत के जो चेहरे होते हैं, यानी कि सबके चेहरे पर खुशी है। लंबे पल से इंतजार था कि मैच जीते और वो सपना पूरा हो गया यहाँ पर। जी बिल्कुल, वो सपना पूरा हो गया। देखिए इंतजाम किस तरह के किए गए हैं, अलग अलग जगहों के ये इंतज़ाम हम दिखा रहे हैं, होटल्स में, कई रेस्टोरेंट में इस तरह के इंतज़ाम किए गए थे वर्ल्ड कप फिनाले दिखाने के लिए। और आधी रात को भी भारत की सड़कों पर देखिए दिन से ज़्यादा भीड़ है, लोगों का हुजूम देखिए। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं की भी तस्वीर आज उठाकर देख लीजिए, इसी तरह से जश्न मनाते हुए, आतिशबाजी करते हुए, मिठाइयाँ खिलाते हुए, झूमते हुए भारतीय क्रिकेट फैंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि 17 साल बाद ये मौका मिला है टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने हाथ में उठाएगी, कप्तान और टीम के हाथ में होगा टी20 वर्ल्ड कप। और ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है, लंबे अरसे बाद मिला है, और यही वजह है कि जश्न और जोश इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आधी रात में पूरा भारत जगा हुआ है ऐसा लग रहा है। हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, अलग अलग जगहों की तस्वीर देखिए, किस तरह से भारत का झंडा हाथ में लिए बुलंद करते ये लोग दिख रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जीत हासिल की है टी20 वर्ल्ड कप में, और रोमांचक मुकाबले में भारत ने ये जीत हासिल की है। एक ऐसा मैच जो वन साइडेड नहीं था, एक तरफा नहीं था,
जहां एक तरफ टीम इंडिया पूरे मैच को, लीग मैच को, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सब जीतते हुए यहां तक पहुंची, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने भी अपना एक भी मैच लॉस नहीं किया था। और ऐसे में दो कांटेदार टीमों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, दो मजबूत टीमों के बीच में। और आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा। कभी लगा मैच भारत के हाथ में है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है, साउथ अफ्रीका तो नहीं जीत जाए। और इस बीच भारतीय टीम ने ये मैच जीत लिया। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जश्न की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदर, 2023 के आखिर में जो वर्ल्ड कप हुआ था और तब भी तैयारी की गई थी और वो मैच हम अच्छा खेलते खेलते लॉस कर गए, हार गए। भैया ये जीत पूरे भारतवासी की जीत है, आपको देख ही रहे हो पहले मैच तो लास्ट मैच तक। और भारत की जुनून आप देख रहे हैं, रात के 12 बजे देख रहे हैं, पूरी टीम पूरा देश यही चाहता था। जैसे कुंभ के मेले में हम लोग खो गए थे, वैसे वर्ल्ड कप में खोए जा रहे थे। कितने दिन बाद उल्लासित हुए वो हम लोग जान रहे हैं। जीत को तरस रहा था कई सालों से।